दोस्तों, मैं हूं संजय और पहाड़ी कुकिंग चैनल में एक बार फिर से लेकर आ गया हूं मैं नई रेसिपी। आज हम देसी स्टाइल में देसी ककड़ी का खट्टा या रायता भी आप कर सकते हैं, उसे बनाएंगे पहाड़ी स्टाइल में। बिल्कुल इस रायते को बनाया जाएगा, पहाड़ी ही ककड़ी है। तो आओ देखते हैं पहाड़ी कुकिंग चैनल में क्या है पूरी रेसिपी। ककड़ी का खट्टा, जी दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज यही रेसिपी मैं आपको देने वाला हूँ। ककड़ी जब ग्रीन कलर की होती है तब इसे सलाद में यूज किया जाता है। जैसे ही पककर गोल्डन कलर की हो जाती है तो फिर इसका एक मदरा बनाया जाता है। तो दोनों सिरों को काटकर इसे पिल्स आउट हम कर देंगे, इसके सारे पिल्स निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। इस तरह से सारे पिल्स को रिमूव करके इसके बड़े बड़े बाइट हम बनाएंगे, बीच में से काट दें, फिर इस तरह से इसको काटें। इसके बाद इसके सीड्स जो इसके अंदर है वो सारे सीड्स हमने रिमूव कर देने हैं। इससे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके सीड्स मैंने रिमूव कर दिए हैं। बारी बारी से आपने सब बाइट के सीड्स रिमूव कर देने हैं अच्छी तरह से। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने सबके सीड्स निकाल दिए। अब काकड़ी को एक पैन में हम बॉईल करेंगे। आप कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन एक से दो स्टीम ही लें अगर आप कुकर में बॉईल करें। एक पैन में मस्टर्ड ऑयल लें और स्मोक आने तक उसे गर्म करें अच्छी तरह से। आपने तेल को गर्म करना है। खड़े मसालों में कोरिएंडर सीड्स डालें, दो से तीन रेड चिल्ली डालें, थोड़ा सा इनको स्टर करें, हल्का इनको भुनें। साथ में मस्टर्ड सीड्स आपके पास हो तो उनका प्रयोग भी आप जरूर करें। जीरा डालें, मेथी का प्रयोग करें। खड़े मसालों में अक्सर कोई भी दाल सब्जी में बनाता हूं तो ये वाले खड़े मसाले मैं डालता हूं जरूर। इनका फ्लेवर बहुत बेहतर आता है। इनको तड़कना है अच्छी तरह से। साथ में फाइन चॉप किए हुए प्याज को आप उड़ेल दें। प्याज को भी आपने अच्छी तरह से कुक करना है, इसका गोल्डन कलर तो जरूर लेना ही है, तब तक इसको कुक करना है आपने। प्याज के साथ ही मैं चॉप किए हुए गार्लिक का प्रयोग भी कर दूंगा। गार्लिक को भी स्टर करें अच्छी तरह से और थोड़ा कुक करें गार्लिक को भी एक दो मिनट के लिए। प्याज हल्का गोल्डन कलर का हो गया हो तो हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, साथ में गर्म मसाला डालें। जो जो मसाले आपके पास किचन में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं। फिर इन मसालों को हल्का भुनना है, इनका फ्लेवर पूरा ऑयल में लेना है आपने। प्याज हमारा गोल्डन कलर का हो गया है तो अब कस किए हुए टमाटो को हम डाल देंगे। आप ग्राइंड भी कर सकते हैं, मैंने टमाटो को कस किया हुआ है, आपके लिए ऑप्शनल है, या आप चॉप करके भी डाल सकते हैं। तीनों तरीके से आप टमाटो को डाल सकते हैं। टमाटो को अच्छी तरह से कुक करना है, इसको पकाना है, इसका कच्चापन हमने टोटली ख़त्म करना है। अच्छी तरह से कुक करें टमाटो को। टमाटो के साथ ही आप सॉल्ट का प्रयोग करें, इससे आपके टमाटो अच्छी तरह से गल जाएंगे और कुक भी बेहतर तरीके से होंगे। थोड़ा सॉल्ट को स्टर कर लें टमाटो के साथ, थोड़ा सा बटर भी आप लगा सकते हैं, इससे आपके टमाटो अच्छी तरह से कुक होंगे और मसाले जो आपने डाले हैं वो उनका फ्लेवर भी पूरा आपके ऑयल में आ जाएगा, ग्रेवी में आ जाएगा। थोड़ा स्टर कर लें इनको। अब बॉयल किए हुए खीरे को आप डाल दें। इस तरह की जो रेसिपी बनती है, जो खट्टा बनाया जाता है काकड़ी का, वो पकी हुई काकड़ी का ही बनता है। कच्चे जो खीरा होता है उसका रायता बनाने का अलग तरीका होता है, लेकिन जब आपके पास इस तरह की पकी ककड़ी हो तो फिर आप इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत ही बेहतर स्वादिष्ट रेसिपी बनती है। इसी लीड से हम कवर करके कुक करेंगे। थोड़ा सा मीठी सौंफ और अजवाने का प्रयोग यहाँ पर मैं करूँगा फ्लेवर के लिए। फिर इसे हम लीड से कवर करके दो से तीन मिनट और कुक करेंगे। दो से तीन मिनट लीड से कवर करने के बाद प्याज के इस तरह के बाइट आप बनाएं, बहुत ही अच्छा इनका फ्लेवर भी आता है और ये देखने में भी बहुत बेहतर लगते हैं। इनको थोड़ा स्टर करें। अब एक से दो मिनट हम इन प्याज के बाइट को ककड़ी के साथ कुक करेंगे लीड से कवर करके। इनको अच्छी तरह से मसाला लगा लें, उसके बाद लीड से कवर कर दें। अब देखिए दोस्तों, हमारी ककड़ी अच्छी तरह से कुक हो गई है और प्याज के बाइट जो हमने डाले हैं वो भी थोड़े गोल्डन कलर के हो गए हैं। आपने इसको मैश करना होता है। जब ये ककड़ी कुक हो रही होती है तो आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, कड़छी से भी इसे मैश कर सकते हैं।
अब देखिए दोस्तों, ककड़ी हमारी अच्छी तरह से कुक हो गई है, मैश भी हो गया। इसमें मैं कर्ड का प्रयोग करूंगा, घर की अजमाई हुई कर्ड है मेरे पास। 200 ग्राम कर्ड का प्रयोग आप कर सकते हैं, आपके पास घर की कर्ड हो या बाजार की दोनों चलेगी। साथ में इसको घुमाना है, अच्छी तरह से घुमाना है, जैसे गली में आपके दुश्मन का कुत्ता आपके पीछे पड़ गया हो और आप चारों ओर भाग रहे हो, इसी तरह से आपने कर्ड को भी भगाना है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा राई का प्रयोग करें, राई से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और बहुत ही स्वादिष्ट भी लगती है दोस्तों। फिर स्टर कर लें इसको, रायते में जैसे आप राई डालते हैं उसी हिसाब से इसमें भी राई आपके पास अवेलेबल हो तो ज़रूर डालें दोस्तों, फ्लेवर के लिए। आपकी जीभ में बहुत बेहतर स्वाद आएगा जब आप चपाती, परांठा, नान या चावल के साथ इस रायते को खाएंगे। दोस्तों अब हमारा ककड़ी का खट्टा पूरी तरह से तैयार हो गया है, आप इसे खट्टा भी कर सकते हैं, रायता भी कर सकते हैं। अब ये सर्व करने के लिए तैयार है। सर्व करने से पहले थोड़ा सा गार्निश के लिए यहाँ पर हरी मिर्च और हरा धनिया जरूर डालें, इससे बहुत ही बेहतर फ्लेवर आएगा और देखने में भी बहुत बेहतर लगती है। देख सकते हैं आप, बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी तैयार हो गई है। तो दोस्तों अब बारी है प्लेटिंग करने की, तो मैं करने जा रहा हूँ डिश आउट काकड़ी के रायते को। अब आपको करना क्या है दोस्तों, बस अपने घर में एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना है और अपनी फैमिली के साथ बैठकर खाने का भरपूर आनंद लेना है। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी बनती है इस तरह से दोस्तों, पक्की ककड़ी की, एक बार जरूर इसे ट्राई करें। दोस्तों आप किस तरह से इस रेसिपी को बनाते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें, और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी अगर पसंद आई होगी तो मेरे YouTube चैनल पहाड़ी कुकिंग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।